वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं आप सबकी शालिमा आप सबका स्वागत करती हूँ गुस्ताख दिल सुनने के लिए। और नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। जैसे कि मैंने आप सबकी तबीयत पूछ ही ली है, तो प्री बेस पार्ट कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो मैडम होती हैं, जो मीरा होती हैं, वो सुबह सुबह उठ के तैयार होने लगी होती हैं और किया उनको देखते से ही उनको हक करती हैं। तो देन अब आगे ये था हमारा प्रीवियस पार्ट। प्रीवियस पार्ट से आगे बढ़ के अपन देखते हैं कि जो मीरा होती हैं वो समझ नहीं पा रही होती हैं कि किया अचानक से ये बिहेवियर क्यों, वाय। वो तो अच्छी खासी उसका चल रहा था, अभी ये अचानक से उसको क्या हो गया? फिर जब किया जो होती हैं वो वॉशरूम में बैठ के मीरा के बारे में सोच रही होती हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो समझ ही नहीं पा रही होती हैं। क्योंकि जो किया होती है वो मीरा से शादी करना चाह रही होती है। भैया ऑब्वियसली प्यार थोड़ा सा अनोखा होता है, मगर कभी कभी ज़िद भी अनोखी हो जाती है किसी किसी से। तो हमारी मीरा भी उनको बोलती हैं कि ठीक है, आपको अभी थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है, बाहर आते फिर मैं बात करती हूँ। वो तैयार होती हैं, वॉच वगैरह लगाती हैं और साड़ी पहन के वो एकदम सिंपल वे में जैसे वो तैयार होती हैं वो हो जाती है और वेट करने लगती है किया के बाहर आने का। किया अंदर ही बैठ के सोच रही होती है तो मीरा उसके बाथरूम पे थोड़ा सा नॉक नॉक करती है। तो कहती है कि हाँ मीरा। तो कहती है कि किया आप बाहर आइए। तो कहती है कि हाँ आ रही हूँ। तो बाहर आती है और वो फ्रेश फ्रेश हो चुकी होती हैं, उनको वो अपना एक ड्रेस ऑलरेडी अंदर रख चुकी होती है मीरा, क्योंकि उसको पता होता है कि किया अंदर जाएगी तो मतलब उसको कपड़े ही ज़रूरत मतलब होते हैं। तो वो जब पहन के आती है तो किया 2 मिनट के लिए देखने लगती है उसको, हल्का जो होता है वो लाइट स्काई कलर होता है और वाइट पैंट होता है, वो जो दी होती है ना उस पर बड़ा जच रहा होता है। तो कहते कि किया बड़ी अच्छी लग रही हो यार। तो कहते कि थैंक यू, वो बड़े सड़े से मुंह से बोलती हैं, मतलब उसको उसको इस बात की खुशी नहीं होती है कि मीरा ने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया है। वो मीरा के जो बिहेवियर से उसको वो लगा होता है और वो बोल नहीं रही होती हैं। तो मीरा भी सोचती है कि ठीक है मैं ही पहले बहरहाल बोल लेती हूँ, वरना फिर से कहीं हम दोनों में कोई गलत फहमी फिर से ना आ जाए, फिर जो हमारी मीरा हैं उनको बैठाती हैं चेयर पे और उनके साथ बैठती हैं, उनके हाथों को अपने हाथों में होल्ड करती हैं और कहती हैं कि मीरा, बोलती हैं कि सुनो किया, मुझे आपके साथ रहने में शादी करने में कोई एतराज़ नहीं है, मगर आप इतने कैपेबल नहीं हो कि मेरे घर वालों की, मेरी बहन की, मेरे दादा की आप खर्च उठा सको। आपको आप एटलीस्ट अपने पैरों पे जब कैपेबल होगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, और तब आप मुझसे शादी करोगे ना तो मुझे ये फील नहीं होगा कि आप मुझसे छोटे हो और मुझे आप पे ज़िम्मेदारियाँ वो डालनी पड़ रही है। वो कहती है कि आप समझ रहे हो ना कि मैं एक फैमिली में हूँ और वो फैमिली मेरी है और उस फैमिली के बीच में मैं रहती हूँ और उनके पास मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर मैं उनको इस हालात में छोड़ के आपके साथ चली गई तो मेरे घर वाले, मेरी माँ, मेरी बहन,
उनका क्या होगा, वो कैसे क्या करेंगे। उनके सहारे के नाम पे सिर्फ मैं हूँ। आपके घर पे आपके पापा कमाते हैं। अगर मैं आपसे शादी कर लूँ और आपके घर चली भी जाऊँ, ठीक है, मुझे पता है कि माँ कुछ नहीं बोलेगी, मगर अगर मैं चली भी जाऊँ तो आप मेरे लिए कोई भी एक चीज़ अपने दम पे ख़रीद के नहीं ला सकते। तो कहते कि बेबी, मेरे को कमाने और ख़रीदने की क्या ज़रूरत है, जब मेरे पापा के पास इतने पैसे हैं और जब मैं वो पैसे यूज़ कर सकती हूँ, और वो सारे पैसे मेरे ही तो हैं जो भी पापा के हैं। तो कहते जान, जो आप जो बोल रहे हो, मैं वो गलत नहीं बोल रही, मगर आपके पापा ने बोल दिया कि तुम अपने पार्टनर का तुम खुद खर्च उठाओ, तो क्या आप उस वक्त उठा पाओगे? आप इतने कैपेबल नहीं हो। तो मैं कैपेबल नहीं हूँ तो क्या हुआ बेबी, तुम तो हो ना। मीरा ऐसे मीरा को किया ऐसे जवाब देती है, तो कहती है कि मैं हूँ, मैं मना भी नहीं कर रही कि मैं आपकी ज़िम्मेदारी उठानी नहीं चाहती हूँ, मगर मैं ये भी साथ में चाहती हूँ कि जो मेरा पार्टनर हो वो कैपेबल हो, वो अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी चीज़ें वो खुद उठा पाए, वो खुद वो सारी चीज़ सोच पाए जो मैं करना चाहती हूँ उसके लिए, या मैं कर रही हूँ। कल को आपको ये ना लगे कि मैं आपके सारे खर्च उठाती हूँ और आपके ईगो पे कोई ठेस ना पहुँचे। इस दुनिया में खुद से कामयाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जान, मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। अभी आप 12th में हो, आप छोटी हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर कहने वाले जो लोग हैं ना, वो मुझे कहेंगे कि इसको क्यों नहीं समझ आया और इसने क्यों नहीं समझाया। तो कहती है कि जान, मुझे दुनिया से क्या लेना देना है, मॉम जानती हैं, गीता जानती है, ऑलमोस्ट चाचू भी जानते ही हैं, जब गीता जानती है तो चाचू भी जानते ही होंगे। और तुम, मतलब तुम्हें लगता है कि तुम मेरी शादी अगर तुम नहीं करोगी और ऐसे मेरी शादी रुक जाएगी, मेरी शादी किसी और से हो जाएगी। किया जो होती है वो मीरा को बोलती है, कहती कि मैं आपकी बात समझ रही हूँ और ये एक रास्ता नहीं है जान। आप सोच रहे हो कि इस तरीके से आप बच जाओगे कि शादी से, तो नहीं, नहीं बचोगे आप। फिर से कोई नया ड्रामा आएगा, कोई नया स्यापा खड़ा होगा। तो कहती हैं कि फिर मैं क्या करूं, बता दो, मैं वही करती हूँ जो हमारी किया जो होती है। कहीं ना कहीं अब वो मीरा की बात समझ रही होती है कि मीरा वो जो चाह रही होती है वो गलत नहीं चाह रही होती है। अगर वो चाहती है कि वो अपने पैरों पे खड़ा रहे, अगर वो चाहती है कि कल को वो अपने डैड के सामने उसको हाथ ना फैलाना पड़े, तो उसमें क्या गलत है? ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सही ही है। तो वो ये चीज़ सोच रही होती है कि फिर उसके बाद से कहती है कि ठीक है, मैं जो तुम जो बोल रही हो मैं समझ रही हूँ, ओके, पर शादी कैसे? तो कहती हैं कि सोचते हैं उस बारे में। तो जो हमारी किया होती हैं वो कहती हैं कि क्या सोचते हैं जान, कल मेरी शादी है। तो कहती हैं कि हाँ, पता है कि कल है और मुझे उम्मीद है कि चीज़ें सब ठीक रहेंगी, सब ठीक होगा। तो कहती हैं हाँ, ठीक ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ख़राब हुआ। वो सारी चीज़ों को सोच के मीरा कहती है ठीक है, ज़्यादा टेंशन ना लो, चलो।
वो वहाँ से निकलते हैं और नीचे पहुँचते हैं। इधर किया कि मॉम का कॉल आता है और कहते कि बेटा घर आ रही हो या कॉलेज जा रही हो, तो मीरा बोलती है कि नहीं आंटी कॉलेज आ रही हैं, यहीं से अब शाम को घर चली जाएंगी। तो इधर से जब अंजलि आंटी मीरा की आवाज़ सुनती हैं तो कहती हैं कि बेटा तुम लोगों ने क्या सोचा। तो कहती हैं कि मीरा कहती हैं कि आंटी ऐसे मैं कुछ समझा नहीं पाऊँगी, मैं आपको आके बताती हूँ। तो कहती हैं इधर अंजलि आंटी जो होती हैं वो बोलती हैं ठीक है बेटा तुम घर आ जाओ फिर बात करते हैं। जब ये लोग कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाने पे सब लोग देखते हैं कि आज किया मीरा के साथ, हेमा देखती है, हेमा को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा उसको अजीब सा लगता है, उसकी फीलिंग थोड़ी डिफरेंट होती है मीरा के लिए, बट उसको भी ये पता नहीं होता है, वो इतना ज़्यादा क्लियर आउट खुद को नहीं की होती है, उसको पता ही नहीं होता है कि उसकी फीलिंग क्या है। वो बस देख रही होती है कि जो किया है उसके साथ बैठी है और उसके कमर में जो हाथ वो डाले हुए हैं। किया को ऐसे करते हुए जब आते हुए देखती है तो उसको हेमा को थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लगा होता है, वो जाके फिर बोलती है रोली से, रोली जाके जब बोलती रोली से तो रोली कहती क्या, तो कहती कि हाँ वो आज मीरा मैम के साथ किया आई है। तो कहती कि ठीक है मैं बात करती हूँ। जो हमारी मीरा होती हैं वो थोड़ा सा उन लोगों को छोड़ के अब स्टाफ रूम के एरिया की तरफ जा रही होती हैं, तो रोली बीच पर रोकती है, तो कहती कि तुम दोनों के बीच ठीक हो गया क्या। तो कहती कि हाँ क्यों, तो कहती कि आज हेमा मेरे पास आई थी। तो कहती कि हाँ तो अभी तो मैंने हेमा को बोल दिया है ना, क्लियर कर दिया कि अपन को अभी नहीं करना। तो कहती है कि यार उसकी आंखों में ना तेरे लिए अलग सा जुनून दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद वो तुझसे प्यार करती है। तो कहती कि कैसी बात कर रही है रोली, यार ऐसी बात मत कर। तो कहती कि नहीं यार मेरा इन सब चीज़ों में ना मेरा दिमाग गलत नहीं हो सकता। तो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तू ज़्यादा सोच रही है। तो कहती कि आई होप सो कि ये ज़्यादा ही हो, मैं जानती थी कि, बट ऐसे कैसे हो गया। कहते कि हो सकता है कि मेरे को गलत फहमी हुआ हो। तो कहते कि ठीक है मैं हेमा से बात कर लूँगी, तुम जाओ। रोली को बोल देती है और जो जो किया होती है वो अपने क्लासरूम के तरफ जा रही होती है। अनु जब साथ में जा रही होती है तो जो संजय, सुनील, विकास और साक्षी, जानू, ये सब लोग आते हैं और पूछते हैं अनु तू कैसी है। तो अनु बोलती है मैं ठीक हूँ। तो सब लोग अनु को पूछ रहे होते हैं तो वो अनु की ये हालत देख के, मतलब अनु थोड़ा सा सैड होती है और उसकी आंखों में डर वो साफ साफ दिख रहा होता है। बट जो हमारी किया होती है उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है अरे अनु तू शेर है यार, अपनी ऐसे मत डर। ये सारी बात कॉलेज में फैल चुकी होती है कि अर्जुन सर ने अनु को किडनैप किया था और उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है अर्जुन को। फिर अब ये सारी बातें सबके पास पहुंच चुकी होती है, अलग अलग तरह के स्कूल्स में बातें बन रही होती हैं। इधर मीरा स्टाफ रूम में जाती है, तो स्टाफ रूम में जाती है तो वहाँ पर जो स्टाफ होते हैं उनके साथ में जो टीचर्स होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं। मीरा सुनती है फिर उनको इग्नोर करके अपना काम करने लगती है। वो अटेंडेंस शीट उठाती है और अपने नोट्स उठाती है, वो बातें सुन तो लेती है मगर कुछ बोलती नहीं है क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझती मीरा कि किसी को जवाब देना ज़रूरी है।
उधर वो अपने क्लासरूम में जाती हैं और सब लोग बैठे हुए होते हैं। वहाँ पे हेमा थोड़ी सी इरिटेटेड बैठी हुई होती है, सुबह जैसा इंसिडेंट्स हुआ रहता है और जो रोली आके बोली रहती है, तो सबके अटेंडेंस लेती है। वो एक बार हेमा की तरफ देखती है मीरा, और फिर वो अटेंडेंस लेने के बाद वो चली जाती है। जैसे कि मीरा खुश होती है, मगर उसको टेंशन भी होती है कि उसकी शादी होने वाली है परसों। तो साक्षी बोल रही होती कि तू तो अब मेरे भाई से शादी कर रही है, तो तूने किसी को बुलाया क्यों नहीं? तो कहते कि तू चुप हो जा साक्षी, ठीक है, और कल के लिए थैंक यू जो तूने मेरे लिए किया। और किसने कहा कि मैं तेरे भाई से शादी कर रही हूँ? तो कार्ड बट चुके हैं, तूने भले कॉलेज ग्रुप को इनवाइट ना किया हो, मगर ये तो सच है ना। तो कहते कि तू ज़्यादा सच और झूठ के चक्कर में मत पड़, ठीक है, जो मुझे करना होगा मैं कर लूँगी, तू अपना देख ले। तो कहते कि तू क्या इतनी चढ़ क्यों रही है? तो कहते कि मैं चिढ़ नहीं रही हूँ, ठीक है। तो कहते कि एटलीस्ट तू ग्रुप में सारे फ्रेंड्स को तो इनवाइट कर लेती कि तेरी शादी हो रही है। वो थोड़ा सा फिरकी लेते हुए साक्षी बोलती है, क्योंकि साक्षी को खुशी इस बात की होती है कि वो उसकी नहीं तो वो किसी की नहीं, मतलब कि मीरा की भी नहीं। और मीरा इधर तैयार नहीं होती है शादी के लिए, और ये सारी चीज़ें उसको टेंशन दे रही है। कहीं मीरा मैडम तेरे को छोड़ने का तो मन नहीं है? कहीं और पसंद तो नहीं आएगा? वो हेमा की तरफ टोन काटते हुए बोलती है। और जैसे ही उसने सारी बात और सुबह जो बातें समझाई होती हैं मीरा ने किया को, वो फिर से एक बार किया का दिमाग से निकल जाता है। कहते कि तू चुप हो जा साक्षी, और बहुत शाउट करके बोलती है। अचानक से शाउट करते हुए किया को मीरा कहते कि क्या हुआ मेरा किया, ऐसे क्यों बात कर रहे हो आप? तो कहती है कि मैम देखिए ना, इसको ना फालतू की बातें करनी होती है, काम की बातें नहीं होती हैं, इसको बोल दीजिए कि मुझसे बात ना किया करे। तो कहती हैं कि क्या वो साक्षी, क्या बोल दिया इसको आपने? तो कहती कि कुछ नहीं मैम, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो शायद उसको आंसर नहीं पता था। तो कहती है कि ठीक है, ले आइए, कौन सा क्वेश्चन है, मैं आंसर करती हूँ। तो कहती कि नहीं मैम, हो गया, शॉर्ट हो गया। तो कहती कि ओके, बैठ जाइए। और जब किया को ऐसे देखती है इरिटेट करके उठते हुए, तो उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा होता है उसको, मीरा को। और मीरा जैसे तैसे अब तो समझाई होती है, फिर से अचानक से इसको क्या हो गया, मीरा ये सोचती है। मीरा जो होती है जब अपने क्लासरूम को जो सब्जेक्ट दे रही होती है, असाइनमेंट दे रही होती हैं, तो वहाँ पे अटेंडेंस लेने के बाद जाती है, फिर वापस लौट के आती है और वो हेमा को बोलती है कि हेमा प्लीज़ मेरे साथ आइए, मुझे कुछ काम है आपसे। तो वो नोट्स वगैरह है, तो आप प्लीज़ कलेक्ट करके स्टाफ रूम में रख दीजिएगा। तो कहती है कि ठीक है मैम। और थोड़ा सा वो थोड़ा सा टेंशन दिखाते हुए जो हमारी मैडम होती हैं, जो हेमा, वो किया की तरफ थोड़ा सा टेंशन दिखाते हुए जाती हैं। तो वो जब जा रही होती हैं, तो वो सोच रही होती हैं कि मीरा ने मुझे क्यों नहीं बोला, इसको क्यों बोला। तो मीरा स्टाफ रूम में जाती है, तुरंत वो किसी और क्लास लेने चली जाती है। तो वो जैसे क्लास ओवर होने वाली होती है, मीरा से मिलने के लिए किया उसके स्टाफ रूम में जाती है, और जो उनका अलग अलग केबिन बना हुआ होता है, जिससे कि कोई भी चीज़ बाहर देखी ना जा सके, एक दूसरे के केबिन में देखी ना जा सके, तो वो जाके केबिन में गुस्से के मारे तमतमाते हुए फिर से जाके किया बैठती हैं कि मतलब ये इसको हेमा को क्यों बोली, और उन दोनों में क्या बात हुई, और ये मुझे क्यों नहीं बताया, ऐसी भी क्या बात थी कि मेरे सामने ये बात नहीं हो सकती थी। और ये जो है ना हेमा की बच्ची, मैं इसको तो छोड़ूंगी नहीं। जो किया होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती हैं, तो हमारी जो मीरा होती हैं वो
चुपचाप जो होती हैं जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अरे क्लासरूम से स्टाफ रूम में जब पहुंचती हैं तो देखती हैं कि जो हमारी क्या होती है वो ऑलरेडी आगे बैठी हुई होती है उनके स्टाफ जो केबिन में होता है। तो इतने गुस्से में क्यों दिख रही हो, अभी तो सुबह तो ठीक थी। तो कहती कि हाँ मैं ठीक ही थी, बट ये हेमा को क्यों बुलाया था? वो अचानक से ये क्वेश्चन पूछती है। तो कहती है कि कुछ नहीं किया, वो कुछ काम था इसलिए। वो नोट्स मैंने बोले थे ना कि नोट्स स्टाफ रूम तक पहुँचाने को, तो इसलिए। तो कहती है कि तुम वो तो मुझे भी बोल सकती थी। तो कहती है कि किया, वो थोड़ा मुझे बात भी करनी थी उससे, तो इसलिए मैंने उसको बोला। तो कहती है कि ऐसी क्या बात थी कि मेरे सामने नहीं हो पा रही थी और तुम मेरे सामने नहीं कर पा रही थी? कल मेरी शादी है तुम हेमा के साथ। तो कहती है कि किया, मैंने तुम्हें समझाया है कि कुछ नहीं है ऐसा? तो कहती है हाँ मुझे समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है मीरा, तुम क्या चाह रही हो? तुम यही चाह रही हो ना कि मेरी शादी हो जाए? तो कहती है कि कैसी बात कर रही हो किया? तो वो मीरा उठ के आती है उसके तरफ, तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।